कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत में संकलित एक पाठ की ध्वनि प्रस्तुति। पाठ का शीर्षक है पार नजर के। वो एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पे जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर ही पर आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया। आ, मिल गया। और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। ये जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला। तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा वो रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कराने का मौका मिल गया था। मगर कहां, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई।
इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। हाँ? किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए। अरे ये रहा वहां पर छोटू, पकड़ो, चलो आ जाओ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। ये लीजिए, ये रहा आपका। बेटा, घर पर मां छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत ना थी। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। मैंने कितनी बार कहा है ना वहां नहीं जाया कर। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वो क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहां? छोटू का सवाल लाजमी था। मैं वहां एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। अच्छा। हाँ, खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। अच्छा। हाँ, कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे। एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। तो सूरज में परिवर्तन होते ही यहां का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहां के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने ही इस स्थिति का सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। अच्छा। हाँ, यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा। जी, माँ और पापा की बात सुननी होगी। <है ना? laughs>
दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। ये सामने स्क्रीन पर छोटा सा बिंदु क्या है? मैं बताता हूँ, आप भी देखिए। ये देखिए, स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वो बताने लगा, ये कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि ये अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार ये हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है? छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। मैं चलता हूं। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहां से आ रहा होगा? सौरमंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्षयान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्षयानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए ये असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता। हां, अगर वो इसी तरफ आ रहा होगा तब तो ये संभव हो सकेगा। देखें, अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही है। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। अजीब सी बात देखी मैंने। अचानक स्क्रीन पर मैंने ये देखा कि उस अंतरिक्ष यान में से एक हाथ जैसी आकृति बाहर आई और फिर वो हाथ लगातार लंबा होता चला गया। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि दो अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्षयान हमारे गिर चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्षयान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। जी। नंबर एक, आपका क्या ख्याल है? कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर एक पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं। हाँ, ये बात तो है, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान
खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। नंबर एक की बात सही लगती है। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है उनकी। नंबर दो एक वैज्ञानिक थे, वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे तो फिर क्या करें। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। जहां तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर तीन सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फोन की घंटी बजी। एक मिनट। ठीक है, ओके। भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक एक हमारी जमीन पर उतर चुका है। क्या? अंतरिक्ष यान क्रमांक एक क्या उतर चुका है? हमें जल्दी कुछ करना होगा। आइए, आप मेरे साथ आइए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले दूर से उसका अवलोकन करते हैं। पहले ये देखते हैं कि उससे कोई बाहर तो नहीं निकल रहा। वो दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। ये देखिए, यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन। इसका कुछ हमें करना होगा। काफी अजीब सी आकृति है, एक हाथ सा लगता है। क्या है? हम इसकी दूरी को नाप सकते हैं? नंबर तीन, कितनी दूर हो सकता है ये हमसे? ओके। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक एक साफ नजर आ रहा था। यहाँ स्क्रीन कंप्यूटर का कैसा अजीब लग रहा है यहाँ। इसके अंदर क्या होगा पापा? अभी नहीं बताया जा सकता। दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे। छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया। देखो छोटू, तुम यहाँ पे हो, इनमें से किसी बटन को छेड़ना मत। अच्छा? और खास तौर पे इस लाल वाले बटन को तो बिल्कुल भी मत छेड़ना। तुम एक काम करो। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वो शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सारे मॉनिटर्स को ऑन कर दिया जाए और सभी कैमरास को उसी पे फोकस किया जाए। मैं हर एंगल से उसकी मूवमेंट को देखना चाहता हूं। और याद रहे, एक एक मूवमेंट को रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के। उसका ध्यान कहीं और ही था। कैमरास को ऑन कर दो और सभी सारे बटन के ऊपर उसकी पिक्चर में देखना चाहता हूं। ये लाल वाला दबाता। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वो रोक नहीं पाया। वो लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था। लाल वाला दबाता हूँ। छोड़ो, हटो यहाँ से,
इस लाल वाले बटन को पूर्व में कर। और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। इस लाल वाले बटन को पूर्व में कर। अरे ये क्या, सामने मॉनिटर को देखो, ये क्या दिखाई दे रहा है? वो हाथ अचानक रुक गया है। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। ये नोटिस करो उसी के ऊपर, या फिर ये यंत्र बेकार हो गया था। अब इस यंत्र के पास उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा। नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। ये प्रश्न आज भी एक रहस्य है।